बात बहुत पुरानी है। गौरी की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई। लोग बताते हैं कि गौरी 2 साल की थी तभी महामारी ने उसकी माँ की जान ले ली। गौरी के पालन पोषण के लिए घर वालों ने उसके पिता का दोबारा विवाह करवा दिए ताकि गौरी को दोबारा माँ मिल जाएगी। गौरी की दूसरी माँ आ गई। दूसरी माँ के भी 3 बच्चे हुए। गौरी अपने भाई बहनों में बड़ी थी। जिस कमी को दूर करने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी की ताकि गौरी को माँ मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छोटी सी गौरी जैसे तैसे बड़ी हो गई। माँ की ममता उसे मिले या ना मिले, पर मोहल्ले वाले की सहानुभूति और प्यार उसे ज़रूर मिले। गौरी की दूसरी माँ के बच्चे जब तक नहीं हुए तब तक तो सब ठीक था, लेकिन सौतेले भाई बहन के पैदा होने के बाद गौरी का जीवन बड़ा दुखदाई बीतने लगा। गौरी अभी 6 साल की थी तभी अपने कपड़े और बर्तन खुद धोती, क्या खाती क्या पीती कोई पूछने वाला नहीं था। नींद आ जाती तो घर में कहीं भी सो जाती। ना तो उसे भूख लगने पर कोई खिलाने वाला था और ना ही सुलाने वाला, बल्कि गौरी और बच्चों की तरह खेल कूद और पढ़ाई में समय नहीं बिता पाती। अपनी नई माँ के साथ घर के कामों में लगी रहती। उसकी नई माँ को बेटी मिले या न मिले, उसका कहना मानने वाली जरूर मिल गई थी। गौरी को अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं। छोटी सी बच्ची हमेशा अपने नई माँ के डांट और फटकार के कारण डरी और सहमी रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, गौरी बड़ी हो गई। गौरी घर के कामों के साथ साथ जानवरों का भी चारा पानी करती, गोबर फेंकती और वही गाय भैंस के तबेले में चारपाई डालकर सो जाती थी। उसे लोगों से ज़्यादा गाय भैंसों में अपनापन लगता था। उसकी नई माँ उसके साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार करती, मगर गौरी को माँ की ममता का पता ही नहीं था कि माँ का स्नेह और प्रेम क्या है। वह माँ दुर्गा की बड़ी भक्ति करती थी। उसे मंदिर के पुजारी ने बताया कि माँ दुर्गा संपूर्ण जगत की माता है। गौरी माँ दुर्गा की प्रतिदिन पूजा करती और मंदिर जाती। एक दिन उसकी नई माँ को गुस्सा आया। उसने सोचा कि घर के कामों को छोड़कर यह रोज़ रोज़ मंदिर चली जाती है, इसी बहाने इसका घूमना भी हो जाता है। कुछ ऐसा करूं कि यह कामों से फुर्सत ही न पाए और मंदिर न जाने पाए। गौरी रोज़ सुबह सवेरे जानवरों को चारा डालकर आटा पीसकर मंदिर जाती थी। उसकी नई माँ ने गौरी को मंदिर जाने से रोकने के लिए एक चाल चली। उसने गौरी को रात में ही बोल दी कि रोज़ तुम 5 किलो गेहूँ पीसती हो, अब मुझे 20 किलो गेहूँ का आटा रोज़ सुबह चाहिए। गौरी बेचारी क्या करती, उसे माता के मंदिर भी जाना था और नई माँ का कहना भी मानना था, कहीं गौरी से उसकी नई माँ नाराज़ न हो जाए। गौरी का काम बढ़ गया था। वह सोची, मैं किस तरह इतना गेहूँ पीस कर मंदिर जा पाऊँगी। उसने फैसला किया कि वह रात को ही चक्की में गेहूँ पीसना शुरू कर देगी ताकि सुबह तक 20 किलो आटा तैयार हो जाएगा। गौरी ने ऐसा ही किया। वह पूरी रात गेहूँ पीसती रही। गेहूँ पीसते पीसते सुबह हो गई। गौरी ने 20 किलो आटा पीसकर तैयार कर लिया और जानवरों का काम निपटाने के बाद वह सुबह सवेरे मंदिर चली गई। जब उसकी सौतेली माँ को इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। मंदिर से लौटने के बाद गौरी को उसकी नई माँ ने बहुत खरी खोटी सुनाई और मंदिर जाने से मना किया, मगर गौरी भी जिद पर अड़ गई। वह बोली, चाहे जितना भी काम करा लो मुझसे, मगर मुझे मंदिर जाने से मत रोको। तब उसकी नई माँ ने नया तरीका लगाया ताकि वह मंदिर न जा पाए। उसने गौरी से साफ साफ कह दिया कि अगर मंदिर जाना है तो रोज़ मुझे 60 किलो गेहूं का आटा पीसा हुआ चाहिए। इतना आटा पीसने के बाद तब तुम मंदिर चली जाना।
गौरी यह सुनकर हैरान हो गई। उसने अपनी नई माँ से विनती की कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि गौरी इतना गेहूँ नहीं पीस पाएगी। मगर गौरी की बात उसकी नई माँ ने नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। अब गौरी क्या करती? वो तो माँ दुर्गा के दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। गौरी ने सोचा, आज और जल्दी आटा पीसना शुरू करूंगी, तभी जाकर सुबह तक पीस पाऊंगी। यह सोचकर गौरी गेहूं पीसना शुरू कर दी, मगर आधी रात बीतते बीतते गौरी पूरी तरह थक चुकी थी। वह दीवार का टेक लगाकर थोड़ी देर आराम करने लगी और वहां बैठे बैठे गहरी नींद में सो गई। सुबह अचानक से आँख खुली तो वह डर गई। ये क्या, सुबह हो गई और मैं कैसे सो गई? मुझे पता भी नहीं चला, अब क्या होगा? वह जल्दी से बोरे के अंदर हाथ डालकर गेहूँ निकालने गई ताकि वह जल्दी जल्दी पीस ले। ये क्या, पूरे बोरे में गेहूँ की जगह आटा है? वह हैरान रह गई। ये कैसे हुआ? मैंने तो नहीं पीसा, आखिर हुआ कैसे? ये सब देखकर खुशी के मारे रोने लगी और माँ दुर्गा का चमत्कार समझकर वह खुश हो गई। तब वह नहा धोकर मंदिर पहुँच गई। उसने यह घटना मंदिर के पुजारी को बताई। तब पुजारी ने बताया कि माँ दुर्गा की कृपा है तुम पर, तुम माता की सच्ची भक्त हो। आज से तुम इस मंदिर की पुजारी हो और माता की सच्ची सेविका। माँ, मैं तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। इधर गौरी की सौतेली माँ को जब पता चलता है कि गौरी ने पूरा गेहूँ का आटा पीस लिया और सुबह सवेरे मंदिर चली गई, तब उसे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह समझ गई कि गौरी के साथ साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। वह अपनी करनी पर पछताने लगी और अपना सर पीटने लगी। जब गौरी वापस आई तो उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी और माफ़ी मांगने लगी। तब गौरी ने कहा, आप हमारी माँ हैं, आप हमसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं? अगर हाथ जोड़ना है तो माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़िए, वह संपूर्ण जगत की माता है, वही आपका कल्याण करेंगी। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। जय माँ दुर्गा।